तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हैंड स्टैंड के लिए टेक्निक। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं टोटल 7 टाइप्स की टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से एक बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के प्रैक्टिशनर भी हैंड स्टैंड को बड़े इजीली से सीख सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेक्निक। फर्स्ट और सेकेंड दोनों टेक्निक्स आपको दीवार की तरफ चेस्ट को फेस करते हुए करना है। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से आपको पोजिशन पर आना है। एक पैर को लिफ्टअप करके दीवार के ऊपर रखना है, उसके बाद दूसरे पैर को भी रखना है। पहले आप लोगों को लेग्स को स्ट्रेट करना है। लेग्स को स्ट्रेट करने के बाद थोड़े बहुत हाथ अपने हाथों से मूवमेंट देना है बॉडी को दीवार की तरफ, ठीक है। हल्का सा आप अंदर की तरफ देख सकते हो या फिर नीचे की तरफ भी आप देख सकते हो। फिंगर्स को स्प्रेड करके रखना है, हाथों के बीच में हल्का सा ज़्यादा गैप रखना है, शोल्डर लेवल से ज़्यादा रखना है। एक पैर को दीवार के अगेंस्ट रखना है। पैल्विक वाला पोर्शन ऐसे टिल्टेड नहीं रहना चाहिए, आपका पैल्विक वाला पोर्शन ऐसे स्ट्रेच रहना चाहिए। बॉडी आप ऐसे भी स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेच करने के बाद एक पैर को दीवार के से अलग करना है इस तरीके से, और बैलेंस करने की कोशिश करते हुए फिर दूसरे वाले पैर को भी ले जाकर अपनी बॉडी की बैलेंस बनानी है ऐसे, ठीक है, और धीरे से वापस। इस तरीके से आप ये फर्स्ट टेक्निक कर सकते हैं। सेकेंड टेक्निक भी यहीं पर करना है। किस तरीके से करना है, देखिए इस पोजिशन पर आना है दोबारा। आपकी बार अपनी बॉडी को थोड़ा सा दीवार से दूर रखना है। आप अपने लेग्स को 90 डिग्री के एंगल के अराउंड, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है कोई बात नहीं, इस पोजीशन पर लेकर आना है। अपनी हिप्स को दीवार के अगेंस्ट रखना है, यहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश करना है। फिर एक पैर को ऊपर उठाना है और यहाँ पे धीरे 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 बैलेंस करने की कोशिश। एक पैर को छोड़ेंगे, थोड़ा सा बैलेंस बनाएंगे, फिर दोबारा टच किया, फिर बैलेंस बनाया, फिर टच किया, फिर बैलेंस बनाया, फिर टच किया, फिर बैलेंस बनाया, टच किया, बैलेंस बनाया। मतलब इस तरीके से आपको थोड़े थोड़े सेकंड्स के लिए एक बार टच करना है, फिर बैलेंस बनाना है, टच करना है, फिर थोड़ा सा दीवार का सपोर्ट छोड़ना है और बैलेंस करना है। इस तरीके से धीरे 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 जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगेंगे और आपसे आराम से जो है वॉल के सपोर्ट से आपका हैंड स्टैंड होगा, और उसके बाद जब आप छोड़ देंगे वॉल के सपोर्ट से तब भी आपका हैंड स्टैंड होगा। एक बार लेफ्ट लेग से करने की कोशिश करना है और एक बार राइट लेग से करने की कोशिश करना है। तो इस तरीके से आप हैंड स्टैंड को सीख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हैंड स्टैंड के लिए थर्ड प्रैक्टिस। थर्ड प्रैक्टिस देखिए किस तरीके से करना है। वॉल के सामने इस पोजिशन पे आने के बाद अपने पैरों से जंप करते हुए दीवार के ऊपर पैर, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस में बताया था कि आप लोग किस तरीके से जंप करके वॉल हैंड स्टैंड की पोजिशन बनाना है। यहाँ पे हल्के से अपने पैरों को फोल्ड कर लेना है। मान लीजिए अगर आप बिगिनर्स लेवल के हैं तो मान लीजिए इतना आपके लेग्स फोल्ड होते हैं, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। हल्का सा आपको चिन को ऊपर उठाना, हल्की बेंडिंग करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी बेंडिंग भी कम हो रही है स्टार्टिंग में। तो एक पैर को दीवार के अगेंस्ट लेकर आना है, इसको फोल्ड करना है। एक पैर को फोल्ड करो इस तरीके से एंड होल्ड करो, ठीक है, यहाँ पे। अब धीरे धीरे इस पैर का सपोर्ट आपको छोड़ने की कोशिश करना है। जैसे कि आपने पहले पूरा पैर का पंजा लगा रखा था, धीरे धीरे सिर्फ टोस की पोजीशन पे आ जाओ और धीरे धीरे कोशिश करो कि बैलेंस को ढूंढते हुए इस पैर की पोजीशन को भी इस तरीके से करो। ये तो था बिगिनर्स, आप इस तरीके से कर सकते हैं। स्ट्रेट लेग करके करेंगे तो आपके बैक में और शोल्डर पे ज्यादा प्रेशर आएगा, तो होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट जिनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत और भी होता है, देखो उनको किस तरीके से करना है। यहाँ से धीरे से पैरों को इस तरीके से रखना है और धीरे धीरे अपने चिन को ऊपर लिफ्टअप करना है और अपने लोअर बैक वाले पोर्शन को थोड़ा और ओपन करने की कोशिश करना है। यहाँ पर एक पैर को फोल्ड करके सिर के ऊपर रखना है और हल्का सा बॉडी का वेट जो है हाथों की तरफ शिफ्ट करना है, शोल्डर को आगे की तरफ रोल करते हुए निकालने की कोशिश करना है। फिर धीरे 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 सपोर्ट छोड़ते हुए दूसरे पैर से भी बैलेंस होने की कोशिश करना। हो सकता है कि इस मूवमेंट में आप एक बार गिरने लगो तो आप दोबारा से सपोर्ट ले सकते हैं इस तरीके से। फिर एक बार दोबारा पैर को लेकर आइए, फिर दूसरे वाले पैर को भी लेकर आओ और इस तरीके से यहाँ पर बैलेंस को ढूंढ कर बैलेंस कर सकते हैं हैंड स्टैंड में, ठीक है, धीरे से वापस।